हेलो स्टूडेंट, दिस इज शाहीन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, 2x + 7x + 11x, और इनकी जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। तो 7 और 2 9, 9 और 11 हो गया 20x = 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ से डिराइव हो जाएगी 9। तो जब आप पुट करोगे इसमें 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63 और 9 × 11 = 99। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 15 सेज डिवाइड 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7 में डिवाइड करना है। तो 324 को अगर आप 11/18 में डिवाइड करोगे और 324 को 11/7/18 में डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 18। ये हो गया आपका 198 और इसको आप डिवाइड करोगे 18 126। तो ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, आनंद और 80 इन 7 आवर्स, वो 80 रुपीज कमाता है 7 घंटे और प्रमोद 90 रुपीज कमाता है 1 घंटे 12 आवर्स में। तो पहले 1 आवर की निकालते हैं। इसके 1 आवर में ये कमाएगा 80/7 और ये 1 आवर में कमाएगा 90/12। तो रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, इनकी अर्निंग की रेशियो, तो 80/7/90/12 क्रॉस मल्टीपल 80 × 12/7 × 90 क्रॉस 3 × 3 = 3, 4 = और तो कैंसिल आउट होगा। तो ये हो गया आपका 8 × 4 = 32 और ये हो गया 7 × 3 = 21। तो दैट विल बी इन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 से 17 बोल रहा है रेशियो, दो नंबर का रेशियो 7:10 है और उनका डिफरेंस 105 है। तो नंबर्स बताने, 7:10 रेशियो का नंबर है, x/y = 7/10 और इनका जो डिफरेंस है वो है 105। अच्छा एक और चीज, अगर x 7 डिनोट करता है तो y 10, मतलब जो रेशियो का प्रोपोर्शन है वो y बड़ा है 10 से। तो इस सिनेरियो में एक रेशियो आपका x/y = अगर आप 7/10 ले रहे हो तो y में से x जाएगा तब 105 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर y है। अब इसको पुट कर दो, कहाँ पे पुट करते हैं, y = 105 + x। y - x = 105 और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 105 माइनस का प्लस का 1, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा। तो y - 105 आ गया। तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे y - 105/y = 7/10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10y - 1050 = 7y। 7y को इधर ले आओ, 10y - 7y = 1050। तो जब आप यहाँ से 3y की वैल्यू निकालोगे तो 1050 इसको डिवाइड कर दो तो ये होगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 0, 350। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू अगर 350 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे x = 3 - 105 = 45। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन देख सकते हो 2:45/3, 3:50 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 से पी क्यू आर 3 सिटीज है, रेशियो दे रखा है पी क्यू का 11/10। अगर पी क्यू का रेशियो 11/10 है, 11/12 है, तो क्यू पी का रेशियो क्या होगा, 12/11। और दे रखा है पी और आर का रेशियो 9/8। तो यहाँ पे आपसे क्यू आर पूछा है,
क्यू आर तो तभी निकल जाएगा अगर आप क्यू पी को मल्टीप्लाई कर दोगे पी आर से, तो ये कैंसिल आउट क्यू आर निकल आएगा, मतलब आपको 12/11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9/8 के साथ, 4 2 4 3 9 3 27/11 2 22, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19th क्वेश्चन सेज एक्स रेशियो वाई दे रखा है 3/4 में और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं। अब एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3 रखो और वाई की जगह पे 4 रखो, एक्स का स्क्वायर मतलब 3 3 9 इंटू वाई की 4 प्लस एक्स मतलब 3 इंटू वाई का स्क्वायर 4 4 16 प्लस एक्स का क्यूब, तो 3 3 9 3 27 प्लस वाई का क्यूब 4 4 16 4 64, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 36 + 48 / 27 + 64, इसको सॉल्व करोगे ऊपर मिलेगा आपको 84 और नीचे मिलेगा 90, फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 7 से चला जाएगा, 7 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 14, तो ये हो गया आपका 12:13 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी के अंदर है 12:13। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से पी क्यू आपको दे रखा है रेशियो में और इसका जो सब डुप्लीकेट है वो है पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ये सब डुप्लीकेट है, इसकी स्क्वायरिंग करो, p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इसके चलो स्क्वायरिंग करोगे तो इसके से रूट हट जाएगा और ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो तो क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा पी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से पी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आगे सॉल्व करेंगे एक तरफ लेके जाओ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू माइनस का पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू एक्चुअल में निकालनी है। फाइनली पी और ये क्यू अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये आएगा क्यू माइनस पी, पी क्यू यहाँ से क्यू बचा और यहाँ से पी बचा इक्वल्स टू यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लो तो अंदर आएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो पी क्यू क्यू माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यू माइनस बी और क्यू प्लस बी, ये से ये कैंसिल आउट तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी क्यू ये वाली और इसको डिवाइड कर देंगे आप क्यू प्लस बी से, तो ये आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ये कौन से वाले ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा आया है पी क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है।
नेक्स्ट इज 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ बिल्कुल सेम, इसी की तरह आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 भी बिल्कुल सेम है, p रेशियो क्यू दे रखा है, 4:5 दे रखा है, p की जगह पे 2 रख दो, q की जगह पे 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, x y की जगह पे। आगे बढ़ते हैं, द नंबर व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। अगर एक नंबर को, अगर आप उसमें से एक नंबर है 19:31, उस नंबर में से अगर आप कोई नंबर माइनस करते हो तो रेशियो बन जाता है आपका 1:4। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 76-4x इक्वल्स टू 31-x। सॉल्व करोगे 76-31 इक्वल्स टू -x प्लस 4x, यहाँ से आया आपका 3x और यहाँ से आपका आ गया 45। डिवाइड कर दो, 45/3 डिवाइड करोगे आप तो ये आपको मिल गया x की वैल्यू 15, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 24 सेज डेली अर्निंग ऑफ 2% 4:5 रेशियो। अगर डेली इनकम एक इंसान की 4:5 है और वो डेली एक्सपेंसेस उसके 7:9 है, और इफ ईच सेव्स, अगर वो सेव करता है 50 पर डे, रोज का 50। अब आप लोगों को ये पता होगा कि इनकम इज इक्वल्स टू होता है एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्च करेगा प्लस सेविंग। तो इनकम में से अगर मैं सेविंग माइनस कर दूं तो ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज अगर मेरी इनकम 4x/5x है, इसमें से मैं 50-50 माइनस कर देती हूँ और वो रेशियो मेरा आ गया 7:9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 36x - 9 5 4 50 = 7 5 35x - 7 5 350। इधर लेके आ जाओ 36x - 35x = 350 + 450, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू 100 आ गई x की वैल्यू। और जब ये 100 आ गई तो आपसे क्या पूछा था, डेली अर्निंग की रेशियो पूछी थी। तो डेली अर्निंग 4 4 × 100 ऊपर वाला, 5 × 100 नीचे वाला, तो रेशियो विल बी 400 और 500। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हो गई स्पीड 1 ट्रेन, ये स्पीड 2 ट्रेन, 7:8। सेकेंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर 5 आवर्स में। अब देखो, सेकेंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर 5 आवर्स की स्पीड में। तो आप लोगों को पता होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे, स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है 400, टाइम दे रखा है 5 आवर्स, तो ये हो गई आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर 8, ये सेकेंड ट्रेन की दे रखी है स्पीड, तो 8 को अगर आप कंपेयर करोगे 80 से तो मल्टीप्लाई बाय 10, सिमिलरली ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, दैट इज 70। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।